लो भाई अब कल की सुन लो। कल दोपहरी में एक लमड़ी तीन बार घुमोड़ी, वो भी पटक पटक के। अरे तो कुछ भी नहीं, कल शाम एक लमड़ी मैंने पांच बार घुमोड़ी गिरसा गिरसा के। अरे तुम मारी सुनो, आज एक लमड़ी सवेरी फंस गई घेर में और आठ बार भमोड़ी रगड़ी रगड़ के। बेटा जिसकी तुम बात कर रहे ना उसे कच्ची आने थोड़े, और 105 बार भमोड़ी। अरे बेटे और सुनो, अरे पहली पिलाई को क्या पहन लोगे तुम जब पिल का करेगी गुमान? अरे पहनना है तो बेटा कुवारी को पहन लो जब भाग पगल लेगी तीर गुमान। अरे दादाजी लेकिन पता कैसे चलेगा? देखो मेरे बच्चों, जिसकी होगी तिरछी चाल बस समझ लो उन्हें तुम्हारा कापना गड़ा बाल। दादाजी जो एड्डी ठाकर चला है उसका? देखो मेरे बच्चों, जो ठाकर चलेगी एड्डी और जिसकी होगी छाती मोटी और वो लुंडी आदमी न मिलने पर इस्तेमाल करती है मोमबत्ती। दादाजी को कैसा पता चलेगा कच्ची कौन टूटती हुई? मेरे बच्चों सुई में धागा फंसा गया धागा। अरे मेरा मुंह तो नहीं पता यार इस बुड्ढे को, चलो तुम खड़े हो। अरे अब इन बालकों को कौन समझावे, मारे तो एक बबरी आई थी ध्यान में और हमने तो अपना जमान कर दिया उसे दान में। अरे बेटे, अरे कैसा परेशान सो रहा मेरे बेटे? अरे वो दादाजी मेडिकल पर जा गया, एक्स्ट्रा डोज लाया था। खैर तुम मुझे छोड़ दो, नू बताओ थारे पास आयोडेक्स है क्या? लगता है ज्यादा मेहनत कर ली मेरे बच्चे ने। अजी नहीं, वो तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा, तीन तीन गर्लफ्रेंड थी सुसरी टाइम पे एक भी नहीं आई। मेरे बच्चे छोड़ दे ये सब, अब शादी कर ले तू। अजी हाँ अभी तो बच्चा हूँ मैं, खेलने खाने की उम्र है मेरी। मेरे बच्चे जैसे फूला हुआ परांठा कभी कच्चा नहीं होता, ऐसे ही ना मिलने पे जो अपने सामान को मरोड़ दे वो बच्चा नहीं होता। वो अभी कुछ दिनों पहले तेरा रिश्ता आया था, उसको क्या हुआ? वो तो दादाजी लड़की ने मना कर दी थी। क्यों भाई? वो दादाजी वो मैंने ना उससे वो साइज पूछ रहे थे साइज। फिर वह क्या बोली? वो दादाजी वो नू बोली मैं तना चूल्हे में दे दूंगी। तन्ने क्या बोल रहा भाई? हाँ दादाजी फिर मन्ने भी कह दिया और तू मुझे खाट पे दे देना। बेटे तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो नहीं सकता तेरा। दादाजी रोज मर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कभी तो सहेली पे तो कभी उसकी पड़ोसन पे। वो दादाजी एक सेट नहीं थी मेरी। तो गैल चुदे उससे ही कर ले शादी। अर वो नू कह लगी अब मैं ब्याह नहीं कर सकती, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। वैसे कौन कौन है उसके घर में? उसके घर में एक पति और दो बच्चे। साले पता नहीं क्या होगा भाई लमड़े का, हम तो अपनी औलाद को निकम्मी समझे थे, ये तो गैल जुदा उससे भी आगे चल दिया भाई। इसका तो भगवान ही मालिक है भाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सीलू मामा और आज हम आए हैं बहुत पुराने गांव मोरना में। हमें यहां पे पता चला 105 वर्षीय उम्र के एक दादाजी हैं जो कि आज भी बड़े ही हष्ट पुष्ट हैं। आज हम उनका इंटरव्यू लेने आए हैं दोस्तों। कैमरामैन फॉलो मी, अब हम चलते हैं हमारे दादाजी के पास, आइए। आपकी तारीफ। दादाजी हम घपा घप न्यूज की तरफ से आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, क्या आपके पास 10 मिनट का समय है? मेरे बच्चे पैसे देगा मैं, फ्री में कर दो तो कर दो। अरे नीरज चूतिया दिखे। अरे नहीं नहीं दादाजी, एकदम फ्री है, हम आपको टीवी पे दिखाएंगे। तो शुरू करो मेरे बच्चों। कैमरामैन शूट करो। तो दादाजी मेरा सवाल पहला आपसे ये है, जैसे कि आपकी उम्र 105 साल की हो गई है, हम जानना चाहते हैं कि आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो सुन मेरे बच्चे, सुबह नाश्ते में शराब, दिन में कबाब और शाम को चाहिए मुझे सवाब।
अच्छा तो दादाजी ये है आपकी तंदुरुस्ती का राज? हाँ जी जब तक मुझे तीन चीज नहीं मिलती देखिए मेरा दिन सही नहीं बिगड़ता मेरे लल्ला। अच्छा तो दादाजी हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमने सुना है आपकी 365 चेली थी। बिल्कुल सही पकड़े मेरे बच्चे। अच्छा तो दादाजी इसके बारे में हमें विस्तार से बताओ आप। देखिए लल्ला 365 नू थी अब एक रोज मर जा कर दी जाड़ी। मर जा थी मतलब? वो इसलिए मेरे बच्चे धक्के एक सेकंड में सौ मार दूं मैं। तो आपका क्या हाल है दादाजी? अब तो मेरे बच्चे एक भाभी आई थी ध्यान में और अल्लाह हमने तो अपना सामान कर दिया उसे ध्यान में। तो दादाजी आप पेशाब कैसे करते हैं आप? पेशाब? अब पेशाब का तो जुन्नू है लल्ला। एक वो हमें 5 mg गोली सी वहाँ मैंने भरस की उससे चल रहा काम। दादाजी अरे 5 mg से क्या होता होगा थारा इस उम्र में? बल लल्ला इतना है बस। अब मेरा पेशाब मेरे पाँव पे नहीं गिरता धार सी लग जा थोड़ी सी। और कोई सवाल लल्ला? तो आज का आखिरी सवाल आने वाली जनरेशन को आप क्या ज्ञान देना चाहेंगे? बच्ची इतना कहना चाहूंगा खूब दूध घी पी के बुलंद कर लो अपना हौसला और दिखे करके अपना सामान मोटा पहाड़ दो चिड़िया का घोसला। पूरी बात तो सुनी नहीं गल चू तो ना पहले भाग गए। लंबा मोटा ताजा आजा पी ले मेरी मजा आजा आजा गाल चूती आजा। मैं बड़ा सावरी का बुड्ढा फंस गया था भाई। मैं सोच रहा जब दद्दा ऐसा तो पोता कैसा होगा। अरे वो बात तो ठीक है पर मुझे नू बता तू करना क्या चाह रहा। क्यों ना हम पोते का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर ले। गुड आइडिया अब फटाफट चल। चलो हे यू तुमने गुड रनवे को देखा है क्या? फिर रहा का मेरा सहारा किसी लंबे के पीछे। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त ताजा देख के लगे दस्त। देख रहा है जाड़ू पिछवाड़े में दे दूं मैं तेरे किसी और का भगाया फिर रहा को लुसी सिकल का थारी बहन के मैं। यह तो बड़ी खतरनाक है भाई। जा चल जा यहाँ से क्यों तेरा टाइम खराब चल रहा। अरे वो क्या समझेंगे हमारे प्यार को आएगी कभी इतवार को उतार कर उसकी सलवार को अंदर डालूंगा हथियार को। जीभ किल्ली मारेगी ना जीभ समझेगी गैल चूदी मेरे प्यार को। रुक जा आराम के चोद। रुक जा अरे तजा थोड़ी क्या आराम है मैं तो अपने मन की शांति कर रहा। शांति शांत हो जा मन शांत बेटा शांत बैठे मेरे बच्चे शांत हो जा। यहाँ से जाना ही पड़ेगा आज का दिन ही खराब है मेरा सावरा। अरे तुम कौन हो भाई? जी मैं घपघप न्यूज से रिपोर्टर हूँ। या मैं इनका कैमरामैन हूँ। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। अरे टीवी पर होगा भाई? हाँ जी वो भी HD क्वालिटी में मिलेगा। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। लो जी लो इंटरव्यू लो। चल भाई दोनों को एक साथ लिए। बहुत तगड़ा बोर ले रहा है लंडे नहीं तो आज के टाइम में कोई दो को एक साथ ले ही नहीं सकता। अरे वो हम दोनों को कैमरे में एक साथ लेने की बात कर रहा मेरे यार। अच्छा ऐसी बात है। अरे मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। चलिए भाई गबा गप न्यूज से पहला सवाल। एक मिनट भाई। हाँ जी क्या पूछ रहे थे आप? तो आप सिगरेट क्यों पीते हो इससे तो फेफड़े खराब होते हैं। अरे मैं तो गुटखा भी खाऊ। अच्छा जी हाँ और गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट यहाँ तो सब हजम है। तो आपको ऐसा करने से कोई रोकता नहीं? अरे रोकने वाले तो सब ऊपर जा लिए मेरे भाई। लेकिन आपके दादाजी? अरे वो क्या मुझे रोकेंगे वे तो खुद भी है। दन्नोई चूतिया साले। तो लीजिए आपसे दूसरा सवाल। हमने सुना है कि आप बहुत बड़े लोंडियाबाज हैं। अरे कौन गैल चूता कह रहा तुझे?
ऐसा है गपा गप न्यूज वालों, मैं आदमी हूँ और सिर्फ आदमी से प्यार करता हूँ। मतलब हम कुछ समझे नहीं। लमडो की पिल्लो बसों की नू मैं आना कभी हवेली पर, शायद इतने से इतना कर दे हम। ना जी ना, हम तो ऐसे ही ठीक है बस। और कोई सवाल? तो लीजिए घपक अपनी उसे आपके लिए अगला सवाल, सिंगल लोंडो को आप क्या ज्ञान देना चाहोगे? जिसकी गर्लफ्रेंड ना हो उसके लिए सारी कहूंगा। इरशाद करो इरशाद। बरसों की सोई आंखें जगाने आ जाओ, अर्ज किया है कि बरसों की सोई आंखें जगाने आ जाओ, माना कि तुम दोगे नहीं लेकिन कम से कम एक बार पैंट उतार के दिखाने ही आ जाओ।